तो इन दिनों दो मुल्क ऐसे हैं जिनके थिंक टैंक्स पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। मैंने तीन मुख्तलिफ इंडियन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक है, उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिए। उन्होंने कहा नहीं, 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? उसके लिए वो जो उन बैरोमीटर्स और वजूहात बता रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो है ना, हमारे इर्द गिर्द नज़र तो आ रही है ना। क्योंकि अब अगर अब्बास ताबिज साहब जो हैं वो चाहें कि मैं कुछ उम्मीद भरी बातें करूं और कुछ ना कुछ अच्छा आपके सामने पेश करूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जश्न जॉन एलिया है, ये तो 1.5-2 हफ्ते पहले होना था, तो ये डिले क्यों हुआ? 9 मई की वजह से डिले हुआ ना, तो 9 मई कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान में ही हुआ है। तो अब अगर हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहना है, तो अब हम 9 मई को कैसे नज़रअंदाज कर दें? अब्बास ताबिज साहब, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये है कि इसमें से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अब वो यहाँ पे रेलेवेंट हो गया आपका क्वेश्चन कि 9 मई को जो कुछ हुआ है, ये दरअसल हमारे कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनकी जो अपनी एक जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें और उनके जो गैर आइनी इकदाम थे और उनकी जो मनसूबा बंदियाँ थी, ये उसका एक हतमी नतीजा 9 मई के वाकयात की सूरत में सामने आया। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि आप 9 मई के वाकयात की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ एक सियासी मकतबा फ़िक्र पे डाले जा रहे हैं, और उन्हीं के लोग जो हैं वो रोज़ टीवी पे आके ऐलान कर रहे हैं जी कि हम सियासत से अलहदगी का ऐलान करते हैं, और जिनको सियासत से अलहदगी का ऐलान करने की ज़रूरत है उनकी तरफ से अभी तक ऐलान सामने नहीं आया। हाँ मंत्री साहब, तो ये है सारे मसले की वजह कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जो कि कभी नहीं रही, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि ये एक फिक्रे पे जिस भरपूर अंदाज में तालियां बजाई गई हैं, इसका मतलब है ये सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो। 2023 पाकिस्तान में नए इंतखाबात का साल है। इस साल पाकिस्तान में हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए, और अगर आपने कुछ ना कुछ पाकिस्तान में अच्छा करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस साल हर सूरत में इलेक्शन करवाएं, ख्वाह कोई भी जीते। कुछ ना कुछ अच्छा उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान के आइन के तकाजे पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सोहेल बड़ाई साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, 9 मई की आप जिक्र कर दिया हामिद मीर साहब ने, इख्तिलाफ राय हमेशा से पाया जाता था, दो आरा हमेशा से पाई जाती थी, लेकिन ये इख्तिलाफ राय में एक दूसरे को तहजीब से एहतराम किया जाता था, उसकी राय का, भले वो आपसे मुख्तलिफ हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदम बर्दाश्त का एक ऐसा दौर चल पड़ा, और शायद 9 मई उसका नुक्ता उरूज था जब अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा हो गया, एक दूसरे की राय पर फतवे लगाना, दूसरा जो आपसे मुख्तलिफ सोचता है उसे गलत कहना और उसकी जान के दरपे हो जाना, ये पहले शायद हमारे मुआशरे में कभी नहीं हुआ, और जो पिछले कुछ अरसे में हुआ है उसका नुक्ता उरूज हमने देखा है। आपको लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि इस नागहाँ को टाल दें, इस नागहानी को, कुछ नागहाँ होने को है, इसको टाल दें, तो क्या हमें बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है? और क्या हमारे शायर, क्या हमारे अदीब, क्या हमारे कलमकार, क्या हमारे कॉलमिस्ट इस सिलसिले में मुआशरे में वो बर्दाश्त पैदा करने की, वो तहम्मुल पैदा करने की, वो रवादारी पैदा करने की जस्तजू कर रहे हैं? क्या कोई कुछ बेहतर हो सकता है? इस नागहानी को टाला जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि हामिद मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। असल जो पाकिस्तान के अंदर मुत्तफिक चीज़ है, जिस पर सबका इत्तफाक है,
वो अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई दूसरी चीज़ है तो वो आइन है, और आइन ही मसाइल का हल है। तो अल्टीमेटली बुनियादी मसले का हल तो आइन ही है, आइन से रूगर्दानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस मसले का क्या हल करें कि अगर आइन के तहत ही बनी गई जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दो हिस्से हो जाएं और दोनों जो है वो अलग अलग सोचें और दोनों के पास बड़े वैलिड पॉइंट्स हों, तो अब हम जैसे आइन पसंद और हम जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्मरानी चाहते हैं वो क्या करें? ज़ाहिर है हम भी डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान की मुल्क की सियासी जमातें बजाय इसके कि पीसफुल स्ट्रगल करें, बजाय इसके कि खुलेआम मार रोड पर आकर या नासर बाग में जाकर वो जलसा करें, वो अगर कोर कमांडर हाउस पर हमला आवर हो जाए और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो और सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ें, तो हम जैसे लोग जो आइन पसंद हैं वो इस वायलेंस को क्या नाम दें? तो प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं कि पाकिस्तान में कहते हैं कि दुनिया में ये है कि दुनिया सबक सीखती रही है, हर वाक़े से दुनिया ने सबक सीखा है और दोबारा वैसा वाक़या नहीं होने दिया। बदकिस्मती से हमने वाक़यात से सबक नहीं सीखा, हमने मशरकी पाकिस्तान से सबक नहीं सीखा, हमने मार्शल लाओं से सबक नहीं सीखा, हमने जो इंतखाबात हैं उनसे सबक नहीं सीखा, और हर दफ़ा वही दोहराया जो पहली दफ़ा करते रहे, वही गलतियाँ। आप देखें 71 के इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं माने गए, अवामी लीग जो थी वो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, नहीं उसको इक्तदार दिया, बल्कि 1.5 साल पीपल्स पार्टी को भी इक्तदार नहीं दिया, और जब दिया तो GHQ के अंदर जाकर भुट्टो को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो है इंतकाल इक्तदार हुआ, एज वज़ीर आज़म नहीं उन्हें उस वक्त बनाया गया। तो इसी तरह आप देखें पाकिस्तान की तारीख के, मार्शल लॉ आया पहला तो सारे अखबार के एडिटोरियल दूसरे दिन ये थे कि जी पाकिस्तान बचा लिया गया। तो अब अगर हम सहाफ़ी भी ये लिखेंगे, लिखते रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने यही लिखा, उस वक्त के सारे अखबार निकाल लें कि जो पहला मार्शल लॉ लगा 1958 का और जिस दिन गुलाम अहमद ने असम्बली तोड़ी, उस दिन अगले दिन के तमाम एडिटोरियल उसके हक में थे। तो जब ये किरदार होगा, जब अदलिया का ये किरदार होगा कि जस्टिस मुनीर से ले कर जस्टिस साकब निसार तक सियासतदानों को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और सियासतदानों को ही नायल करार देंगे और असम्बलियों को बहाल करने की बजाय कालदम करार देंगे, तो उस वक्त आप क्या तवक्को करेंगे कि जिनसे तवक्को है वही पूरी नहीं हो रही? इसी तरह फ़ौज का आप किरदार देख लें कि फ़ौज ने बजाय अपने आइनी किरदार के हमेशा उस किरदार को अपनाया है कि जो कि गैर आइनी किरदार है, हमेशा मुदाखलत की है, और ये और पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सियासत नहीं करने दी, किसी को हकूमत नहीं चलने दी। तो ये इस सारे का ये नतीजा है जो आप सूरत हाल है, और ख़ासकर ये जो सियासत थी 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ आई है, हम सब ऐनी शायद हैं, हामिद मीर साहब भी ऐनी शायद होंगे कि फ़ौज लेके आई है इमरान खान को, 100% उनको सारे जो MNAs थे वो दिए गए, पैनल बनाए गए और पैनल बना के उनके बंदे खड़े किए गए। तो ये कौन सी इंसाफ था? ये भी गलत था, और आज जो हो रहा है वो भी गलत है, लेकिन वाहिद तरीका जो है वो एक ही है, आइन पे चला जाए, जमहूरियत जो है वही वाहिद रास्ता है, सियासी जमातें जो हैं और सियासी लीडर जो हैं इन्हीं को एक्सेप्ट करना होगा, सबको रास्ता देना होगा, तहम्मुल और बर्दाश्त लाना होगा, इसमें अदीब और शायर भी अपना किरदार जो है वो अदा करें और तहम्मुल और बर्दाश्त को माशरे में रवा रखें, चाहे मुखालफ की भी हुकूमत हो उसको चलने दिया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है मेरा ख्याल है कि 1973 के आइन के बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी थी, 18वीं तरमीम जो है वो तीसरी बड़ी कामयाबी है। इन तीनों को मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। इमरान खान साहब से मैंने 2 दफ़ा कहा कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन्होंने कहा मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो मानते हैं। अगर वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मान लें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब। और फवाद हसन फवाद साहब, एक शेर है कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आप खुद असीरी काट चुके और आज कोई और तबका है जो इस वक्त जिंदानों में है, कैद है, और जिस तरह की सूरत हाल है, आप समझते हैं क्या ये हल है? ये साइकिल कब तक चलता रहेगा?
और कब हम आके एक जगह बैठकर मुत्तफिक होंगे, हम सिविलियन बालादस्ती पर मुत्तफिक होंगे, हम आपस में डायलॉग पर मुत्तफिक होंगे, हम एक दूसरे की बात सुनने, राय सुनने और उनको इख्तिलाफ का हक देंगे। और जो जितना बड़ा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, जितना छोटा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उसकी बात को सुना जाएगा ताकि इस नागहानी को टाला जा सके। शुक्रिया वजी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं दो शेर अता भाई भी बैठे हूँ उनकी इजाज़त से आगाज़ करता हूँ कि घर के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं हादसे। आहा, घर के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं हादसे, एक लम्हे में न जाने क्या से क्या हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि इस बात पे दोनों हामिद मीर साहब ने और सुहेल वराइज साहब ने जो बात की, मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊँगा। देखें, आज जो सच्ची हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मुआशरत, पाकिस्तान की सियासत सब बेनंगो नाम है और सब इस हमाम में नंगे। ना तो कोई इदारा बाकी बचा है, ना कोई शख्स बाकी बचा है, ना कोई सियासी जमात बाकी बची है, ना कोई इंस्टीट्यूशन बाकी बचा है। और ये निशानियां होती हैं, इशारे होते हैं कि ये मुआशरा, ये रियासत एक ऐसी नहज पे पहुंच चुकी है जहां पे नागहानी होने का चांस या नागहां वाक्या होने का चांस कोई गुमां की बात से ज़्यादा हो गया। और मुझे अगर आप आज कहें कि मैं 1 और 10 के स्केल पे आपको अपनी राय दूं कि पाकिस्तान में